Hey everyone, say good morning everyone. Good morning everyone. Are you looking over here? Hi. That we are going to school. We're going to school. And it's raining outside, right? Yeah. There's too much of traffic. Yeah. Okay, and Prisha saw the birds over here, right? Prisha, how many birds did you see? About 100. No, more than 100, like 1,000. ओह या 400 यस अभी हम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी चिड़िया उनको देखा जो उड़ के जा रही थी राइट प्रशा आई थिंक सो जस्ट द बेबी वंस या 1 2 3 4 और बाहर का मौसम बहुत जबरदस्त पानी वाला हो रखा है बारिश हो रही है अगले 2-3 घंटे ऐसे ही रहेगा और बहुत ज्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है कैमरा में पता नहीं पड़ रहा है पर बाहर बहुत ज़्यादा पानी भी गिर रहा है अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है और आज के स्केड्यूल मेरे ये हैं कि अभी बच्चों को छोड़ने के बाद मैं घर जाऊँगी घर जाके मुझे तैयार होना है और मुझे जाना है रियल क्विक में अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए ये वाली गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ह्यूंडई की कार के शोरूम में जाना है मुझे और वहाँ पर कार सर्विस है फिर कार सर्विस जो है वो 1-1.5 घंटे की रहेगी उसके बाद घर आऊँगी घर पे बहुत सारे काम करने हैं घर के स्केड्यूल्स वगैरह हैं मेरे बहुत सारे वो करने हैं और वन बाय वन बहुत सारे काम रहेंगे तो आप लोग भी बने रहिए हम लोगों के इस ब्लॉग के साथ वीडियो के साथ तो चलिए अभी फ़िलहाल बच्चों को छोड़ती हूँ बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है जैसे आप लोग देख ही सकते हैं मेरे आगे टेस्ला गाड़ी खड़ी हुई है उसके आगे टोयोटा गाड़ी खड़ी है बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है ये लाइन ही लाइन लाइन ही लाइन चलिए यहाँ से टर्न मारती हूँ 10 मिनट हो गए एसी ट्रैफिक में कैन यू बिलीव दैट मतलब वहाँ से टर्न लेके यहाँ तक दूसरी लाइन में आने तक वो मैं वहाँ खड़ी थी वहाँ से टर्न लेके मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए जिस दिन बारिश हो रही होती है ना उस दिन तो बहुत सीवियर ट्रैफिक हो जाता है और आदि प्रिशा पीछे खेलने लग गए राइट आदि राइट प्रिशा यू गाइस आर प्लेइंग ऑन द बैक साइड राइट या आई एम गोना डू अ ऑडियो एडिशन कम ऑन गाइस कम ऑन गिव प्रिशा किसी 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 गो 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 आदि ओपन द डोर आदि कम हियर फास्टर किसी किसी गो राजा बेटा गो टेक केयर ओके गो एंजॉय योर स्कूल टाइम ओके गाइस एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मम्मी डैडी लव्स यू ओके गाइस Close the door, Chico. Go, 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 go. Bye. चलिए बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गई हूँ और अभी मुझे बस निकलना ही है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मुझे गाड़ी की सर्विसिंग के लिए जाना है गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए जा रही हूँ लेकिन साथ में मुझे 2-3 क्वेश्चंस भी पूछने हैं उन लोगों से क्वेरीज भी करनी है तो लेट्स सी फटाफट से ये काम करके जाती हूँ 1 घंटा लगेगा मुझे बराबर वहां पे सॉल्व आउट करने में मुझे जो और क्या ना बाहर बारिश भी बहुत हो रही है तो अभी जाऊंगी अच्छा वो तो सुबह का अपॉइंटमेंट है और लास्ट वाला जो Ray 4 का अपॉइंटमेंट था वो कुछ 10:30 का था हम लोग 10 बजे गए थे उस दिन बच्चों की छुट्टी थी तब मुझे कोई टेंशन नहीं था लेकिन आज के बच्चों का स्कूल है तो बच्चों को पिक करने के लिए मुझे समय से आना पड़ेगा यू नो लेट नहीं हो सकते फिर ट्रैफिक भी बढ़ सकता है बीच में मास्टर बेडरूम क्लीन हो गया है ऑर्गेनाइज हो गया है अब यहाँ पे लिविंग रूम यानी टीवी रूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ यू नो
बच्चे आके लेटते हैं सुबह सुबह ना, तो यहाँ पे सारे पिलोज वगैरह भी सब इधर उधर हो जाते हैं, पिलोज ब्लैंकेट्स सब इधर उधर बिखर जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब उठ के आते हैं ना तो बॉडी स्लीपी मोड में चल रहे होते हैं। मेरे बर्ड्स को भी मैं खाना डाल देती हूँ और उसके बाद वहां पे बच्चों के रूम को क्लीन कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आने के बाद ना मेरे से काम नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा। एक तो वैसे ही ग्लूमी ग्लूमी सा मौसम है, ऊपर से अगर मैं ट्रैफिक में रहूंगी तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कितना टाइम लगेगा, यू नो। मैंने कहा ना ये वाले ब्लैंकेट्स रोज निकलते, क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है और टीवी देखते वक्त ना ऐसे लेट के ऐसे पांव पे डाल के ना ऐसे देखना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो बच्चे क्या कितनी बार सो जाते हैं। और आज तो वीकेंड है, वीकेंड हो गया है, फ्राइडे हो गया, ब्लिंड्स खोल भी दी ना तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर क्या बहुत ज्यादा मौसम अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। प्रिशा का बैग ठीक है, आज जब वो उठी तब मैंने उसी वक्त ही इसका कंबल घड़ी कर दिया था, अभी बस इसे रख देती हूँ अंदर। प्रिशा का बेड भी क्लीन है, उसके सॉफ्ट टॉयज है यहाँ पे, मेरी ड्रेस जो धुल के आई है न्यू ईयर की ड्रेस उसे रख देती हूँ। बच्चे जब उठे थे ना आज सुबह तभी मैंने उसी वक्त ही इनका जो कंबल है ना वो घड़ी कर दिया था। सुबह सुबह घर क्लीन हो जाना और बेडरूम ऑर्गेनाइज हो जाना मेरा सबसे पहला काम होता है और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए कमरा साफ है और ब्लिंड्स मैंने खोल दी है, ब्लिंड्स खोल दी है, जितनी भी हवा पानी जो भी आना चाहिए वो आएगा और थोड़ा अच्छा लगेगा, यू नो भगवान की तस्वीर। आदि प्रजा को दोनों को हनुमान जी की तस्वीर रखना बहुत अच्छा लगता है, उनके फेवरेट है हनुमान जी, बाल हनुमान जी का चेहरा और हनुमान जी की जो गदा होती है ना वो दोनों की फेवरेट है। तो यहाँ पे बच्चों का कमरा भी साफ हो गया, अब निकलती हूँ फटाफट से। जैकेट वगैरह पहनते हैं ना तो सब यहीं पे रह जाता है बेंच वगैरह पे, बच्चों के डैडी का भी यही है, एक तरीके से अच्छा ही है क्योंकि बाहर की क्या हवा वगैरह लगती है थोड़ी सीलन सीलन सी आ जाती है ना, तो बाहर अगर रह जाता है ना ये सोफे वगैरह पे या किसी चेयर पे तो इट्स फाइन, इतनी कोई बिग डील नहीं है। बच्चों की जैकेट को भी टांग देती हूँ और अभी वीकेंड में ना धो ही दूंगी, और मुझे साथ में ये वाला जो मेरा साइड वो है ना शेल्फ उसे भी साफ करना है। ये जो साइड शेल्फ है ना ये ना चाहते हुए भी इतनी सारी चीजें भरा जाती हैं इसके अंदर, इसको साफ करेंगे वीकेंड पे, क्योंकि अभी मुझे जाना है जरूरी काम से, यानी कि गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह के लिए, तो मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ दूसरे काम करके और अपने आप को एंगेज करके। चलिए अब थोड़ी देर में निकलूंगी, 5-10 मिनट में फटाफट से अपना कुछ मंच कर लेती हूँ और दिया बत्ती कर लेती हूँ। मेरा जैकेट तो मैंने यहाँ निकाल ही दिया है। अभी मैं जा रही हूँ ह्यूंडई कार के शोरूम में जहाँ पे मुझे सर्विसिंग करानी है, और बस अभी फिलहाल हाईवे पे हूँ, 1 माइल पे पहुँचने ही वाली हूँ और बाहर का मौसम हल्का फुल्का ठंडा तो है ही सही, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट, हल्का फुल्का ठंडा है, जैकेट पहन रखी है और बारिश जैसा दिखा रहा है वो तो नहीं रही है
पर दिखा रहा है इट माइट बी पॉसिबल 20% चांसेस है. बस अभी पहुंच जाऊं, गाड़ी का काम हो जाएगा, उसके बाद घर निकलूंगी. और क्या समय से चलिए पहुंचती हूँ वापस से कैचअप करती हूँ. Alrighty, तो मेरी गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है. There you go. और ये वाला हुंडई का शोरूम है जहाँ पे मैं आई हुई थी. गाड़ी यहाँ से गंदी थी तो अभी साफ हो गई है. There you go. चलिए गाड़ी में बैठते हैं. गाड़ी बड़ी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है. इतना अच्छा लग रहा है ना गाड़ी को देख के. सीरियसली यार बड़ा मजा आ रहा है. बाहर से इतनी साफ सुथरी हो गई है ना, बहुत गंदी हो रखी थी पता है. चलिए अभी गाड़ी में आके बैठी हूँ. यहाँ गाड़ी इतनी नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है ना बाहर से, वाह वाह मजा आ गया. और गाड़ी के अंदर भी ना मैंने सीट वगैरह सब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत साफ ही कर दिया था. बहुत अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नई गाड़ी में आके बैठी हूँ. पता है ऑयल चेंजिंग, टायर रोटेशन और सारे ब्रेक्स वगैरह सब मैंने चेक करवा लिए. सब बड़े अच्छे, अच्छी सर्विसिंग हो गई यार. सब कुछ है ना अंडर कवर था इसी के. जो गाड़ी ली थी ना उस टाइम पे हम लोगों ने पूरे का पूरा कवरेज लिया था इसीलिए. और ये नया शोरूम बन रहा है, उसने बोला कि ये वाला नया शोरूम बन रहा है, यहाँ पे गाड़ी आने वाली है नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ चाहिए रहेगा तो, मतलब गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवानी होगी तो. दूसरी नई बिल्डिंग बन रही है. वाह यार बहुत ही अच्छी सर्विसिंग करके दी. और अंदर पता है मैं बैठे बैठे कॉफी पी रही थी. अंदर मैंने कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो जो वेटिंग एरिया था ना वहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए थे. फिर अच्छा नहीं लगता यू नो, अपने कैमरा निकाल के कुछ भी कर रहे होते ना, अपन खुद की रिकॉर्डिंग कर रहे होते ना, पर उन लोगों को एक शक हो जाता है कि हम उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. सो डजंट लुक गुड यू नो. बट एनीवेज, और मुझे एक दो कॉल्स भी आ गए थे तो मैंने वही सोचा कि यार अभी रहने देती हूँ, पहले कॉल्स अटेंड कर लेती हूँ. फिलहाल अभी निकल गई हूँ घर के लिए. तो अभी इसीलिए मैंने रियल क्विक में आप लोगों को अपडेट कर दिया कैसी दिखाई दे रही हूँ, बिल्कुल बिखरे बिखरे बात. चलिए मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया पता है, सूर्य देवता निकल गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. और बारिश भी रुक गई है, बादल छाए हुए हैं हल्के हल्के से, पर देखते हैं लेट्स सी. चलिए मुझे ना एक्चुअली किसी के यहाँ जाना भी था, देखती हूँ. अभी मैं आई हुई हूँ वॉलमार्ट पे, थोड़ा सा काम है यहाँ पे, एक दो चीज़ें चेकआउट करनी है. वॉलमार्ट ना एक्चुअली रास्ते में ही है. मैंने यही सोचा कि कहाँ मैं वापस आऊँगी, इससे तो अच्छा है रास्ते में तो चेकआउट करते हुए चलती हूँ. जो सामान लेना है वो एक बार चेक कर लेती हूँ. एक्चुअली लेना कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट में, बस चेकआउट ज़रूर करना है. एक चीज़ देखनी थी, के प्राइसेस कंपेयर करनी थी. अगर वो यहाँ पे सही रेट में मिल जाती है तो ले लूंगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आ गई. ओके देयर यू गो, कार्ट ले रही थी यहाँ से. चलिए वॉलमार्ट का काम हो गया है. ऐसा कुछ खास काम नहीं था, मुझे थोड़ा सा ही काम था. पर हाँ जो जो चीज़ें चेक करनी थी वो मैंने चेक कर ली हैं. सोचा है कि बाद में आके लेके जाऊंगी. और क्या एक्चुअली ना हुआ ये है कि अभी ना मेरे क्लॉजेट में मैं बहुत सारी वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, बच्चों के कपड़े जो जो छोटे हो गए हैं वो सब निकाल रही हूँ. मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैं अब पहनती नहीं हूँ. बच्चों के डैडी के भी बहुत सारे कपड़े हैं जो निकल रहे हैं, तो स्पेस बना रही हूँ. पुराने कपड़े निकलेंगे तो नए कपड़े आएंगे, और क्या इसीलिए. और बच्चों के पुराने कपड़े निकलना यानी कि नए कपड़े लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं.
इसीलिए तो मैंने सोचा है कि जहाँ पे भी अच्छी सेल वगैरह मिलेगी तो मैं वहाँ पे जाऊँगी, एक बार चेकआउट ज़रूर करूँगी। बच्चों के कपड़े जब भी लेती हूँ ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कि मैंने बच्चों के कपड़े कौन कौन से शॉपिंग करी। एक्चुअली हुआ ये कि इंडिया से बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, तो जो कपड़े लेकर आई थी वो सारे यूज़ हो गए हैं और अभी भी चल रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी वो छोटे हो जाएंगे इसीलिए, क्योंकि बच्चे बड़े रफ टफ यूज़ करते हैं, कहीं से धागे निकल जाना, कहीं से कुछ, फिर छोटे हो जाना, कभी हाथ छोटे हो जाते, कभी लेंथ छोटी हो जाती, इसीलिए तो बच्चों के कपड़े ना मैं हर बार वो करती रहती हूँ, बिल्कुल मॉनिटर करती हूँ बराबर से कि बराबर यूज़ भी हो और फालतू वेस्ट ना हो इसीलिए। चलिए अभी है दोपहर का टाइम, ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम ही हो गया है, मेरे साइड में ना केटी मिल्स है तो ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी शॉप्स पे जाके चेकआउट कर सकूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं फ़िलहाल घर जाती हूँ, घर जाके थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा फिर तब मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलिए बाहर दोपहर हो रखी है और ये रे सूर्य देवता एकदम चमक रहे हैं बहुत तेज, और मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ अभी फ़िलहाल, तो अभी सिग्नल होगा तब मुझे मुड़ना है लेफ्ट साइड पर और क्या। प्याज भी लगी अलग से मुझे, वो तो अच्छा है कि जब गाड़ी का अपॉइंटमेंट था ना तब मैं आ गई थी यहाँ पे वॉलमार्ट पे, अभी रास्ते में वॉलमार्ट था तो अच्छा हुआ चेकआउट हो गया। अभी मैं आई हुई हूँ USPS के ऑफिस में, UPS के ऑफिस में। एक्चुअली मुझे दो सामान जो है, दो मेल जो है वो ड्रॉप ऑफ करनी है, रिटर्न तो जनरेट कर दिया है जो अमेज़ॉन का होता है वही, तो उसके लिए मैं अभी आई हुई हूँ लास्ट सेंट्रा में जो यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। और मैंने गाड़ी पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे यार हर बार। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को ना 15 मिनट वाली पे खड़ी कर रखा है, 15 मिनट में यहाँ से काम करके निकलती हूँ और क्या, मुझे कौन सा यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना है। पर ये जगह हम लोगों की फेवरेट है पता है, बहुत ही अच्छी जगह। फाइनली मैंने सामान ड्रॉप ऑफ कर दिया, ऑलरेडी पे कर दिया था और रिटर्न भी जनरेट कर दिया था। टाइम इसलिए लग गया वहाँ पे पता है, ऑलमोस्ट मुझे कम से कम 20-25 मिनट लग गए जबकि मेरा सिर्फ 1 मिनट का काम था। अब रीज़न ये है कि वहाँ पे ज़्यादा वो नहीं थे, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, तो उन लोगों ने एक साइन लगा रखा था कि ये क्लोज्ड है, यू वॉन्ट बिलीव। या वो साइन देख कर ही ना कम से कम 10 लोग मेरे सामने चले गए, उन लोगों को लगा कि स्टोर ही क्लोज है, पर स्टोर क्लोज नहीं था एक्चुअली। उन्होंने अपोलॉजी लेटर होता है ना कि भाई हम लोगों को लेट लगेगा, लेट होगा और यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय है इसलिए तो वो साइन देख के ना बहुत सारे लोग पलटते जा रहे थे, मैं वहीं पे थी, वो तो इत्तेफाक की बात है कि मैं पहले पहुँच गई। चलिए अब घर चलते हैं। प्रिशा पीछे होके बैठो बेटा, सीट बेल्ट लगाओ, चलो चीकी। भाई अभी है दोपहर का टाइम, बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चों को घर लेकर आई, अच्छे से फ्रेश हो लिए, नहाए नहीं है क्योंकि प्रिशा का जिमनास्टिक्स है तो बच्चों को स्नैक टाइमिंग वगैरह सब करवा दिया था और दोनों ने स्नैक टाइमिंग कर लिया और प्रिशा को जल्दी करवा दिया था क्योंकि अभी जिमनास्टिक का टाइम है और दूध पी के सीधा जिमनास्टिक करने जाएगी तो इट्स नॉट गुड, उसको उल्टी वगैरह हो सकती है इसीलिए वॉमिटिंग का डर रहता है, तो पहले ही दूध पिला दिया। तो जो ने बैठे हुए थे फिर टाइम हुआ है तो अभी जा रहे हैं हम लोग जिमनास्टिक्स के लिए। बाहर का मौसम अभी थोड़ा ठीक है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, ठंडा तो है, टेम्परेचर पहले से ही ऊपर हो पर ठंडा तो है अभी, इसलिए दोनों बच्चों को और मैंने खुद ने जैकेट पहन रखा है, बहुत थकावट हो रही है अभी तो। चलिए ट्रैफिक बढ़ जाएगा इसलिए फटाफट से ट्रैफिक में लगती हूँ और क्या। बच्चों के डैडी भी निकल गए हैं घर आने के लिए, आदि प्रिशा जा रही है अपने जिमनास्टिक्स में और आदि यहाँ पे प्रिशा के साथ, राइट आदि और मम्मा ये रही।
और प्रिशा की मेरे को मेकअप क्लास भी लेनी थी तो वो मैंने नेक्स्ट वीक की ले ली है। और आदि यहाँ पे बैठा हुआ है, आदि लोग के वही है, से हाय। आंखें बहुत जल रही हैं, थोड़ी कमजोरी सी आ रही है आज के, मतलब सी बच्चों के डैडी का कॉल आया था, वो आने में ही है अभी। वो बोल रहे थे कि वो डायरेक्टली यहाँ आना चाहते, लेकिन मैंने उन्हें मना करा कि अभी यहाँ मत आओ, डायरेक्टली घर जाओ, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होंगे और फिर उन्हें वापस से अपने कुछ एक दो पेशेंट्स देखने के लिए जाना है। जैसे घर के काम नहीं होते ख़त्म, वैसे बाहर के काम भी ख़त्म नहीं होते हैं सीरियसली। और प्रिशा गई है वहाँ पे जिमनास्टिक करने के लिए। We are working on straight lines.